नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमरल्ड न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो वो भारत में प्रचंड बहुमत से जीत कर आए हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी को लगभग देश के अंदर आखिरी पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को 52 सीटों पर समेट दिया और 52 सीटें बहुत ही कम हैं, क्योंकि 55 सीटें कम से कम विपक्ष का नेता बनने के लिए ज़रूरत पड़ती है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर बहुत सारी रैलियां की और देश के अलग अलग राज्यों में वो दुश्मनों पर, विरोधियों पर प्रहार करते ही चले गए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वोट मांग रही थी और हिंदुइज्म पर वोट मांग रही थी। देश के अंदर भरपूर इन दोनों चीज़ों का समर्थन हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती जा रही थी। जहाँ तक हम कांग्रेस की बात करें और विपक्ष की बात करें, विपक्ष इन दोनों चीज़ों को समझ ही नहीं पाया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किन चीज़ों को लोग पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही थी, हिंदुइज्म के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही थी, अगर वो चाहती अपने विवेक से काम करते तो वो इन दोनों चीज़ों के कटाक्ष पर काम करना शुरू करते, लेकिन उनकी अपनी क्या थिंकिंग थी ये देश को कुछ नहीं पता। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो अब प्राइम मिनिस्टर जी अपना मंत्रिमंडल का विस्तार कर चुके हैं और उसमें बहुत सारे नए मंत्रियों को भी जगह दी गई है। उसमें कुछ मंत्री राज्यसभा से भी आ रहे हैं। काफ़ी मंत्री जो पुराना कामकाज देख रहे थे उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिपीट किया है। हमने भारतीय जनता पार्टी के कामकाज और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में ग्लैमर जगत के लोगों से बात करने की कोशिश की और उनका व्यू जानने की कोशिश की। देखिए उनका क्या मानना है। अमनप्रीत जी, जो अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी जो जीत के आए, अभी सरकार, नई सरकार उनकी बन रही है, आपकी क्या राय है उस बारे में? वेल, आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि मोदी गवर्नमेंट जो वापस आई है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वापस आई है, इससे मैं डेफिनेटली बहुत खुश हूँ। एंड आई थिंक पूरी इंडिया की जनता ने प्रूव कर दिया है कि वी ऑल वांटेड हिम बैक। बहुत लोग अपनी ओपिनियन लेके बैठे रहते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखिए, बीच में एक बार ही ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट मोदी जी की ही आएगी, बट शायद इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से वापस नहीं आ पाएगी, इतनी मेजॉरिटी से नहीं। बट उन्होंने जो क्लीन स्वीप किया है तो इससे प्रूव होता है कि इंडिया की जनता उनके साथ है। हमें काफ़ी देश में तरक्की दिख रही है। डीमोनेटाइजेशन से बहुत लोग नाखुश भी थे, बट बहुत लोग खुश भी थे। एंड इनफैक्ट आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो डीमोनेटाइजेशन से खुश थी। ऑफकोर्स इनिशियली थोड़ी सी तकलीफ सबको हुई है। फॉर द फर्स्ट 2 months करेंसी नहीं थी, बहुत सारे इश्यूज थे। इट वॉज वेरी शॉकिंग, इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन बाय हिम। बहुत सारे लोग उनको कभी कभी बोल देते हैं कि डेमोक्रेसी बंद खत्म कर दी है, डिक्टेटर है, बट मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग लीडर की हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इतनी ज़्यादा करप्शन, इतना ज़्यादा ब्लैक मनी, एवरी वन वॉज बींग एक्सप्लॉयटेड, और एक प्रॉपर्टी का बबल बना हुआ था, एक महंगाई का बबल बना हुआ था, और कोई भी कुछ भी बोल देता था किसी का प्राइस, तो वो सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है। प्रॉपर्टी के रेट्स वापस, प्रॉपर्टी के रियल रेट्स आ गए हैं। डीमोनेटाइजेशन से जो लोगों के पास अंधाधुंध काला पैसा पड़ा रहता था और जो इकोनॉमी में रोटेट नहीं हो रहा था, वो खत्म हो गया है। सो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी विद द मोदी गवर्नमेंट, और मैं इस बात में भी बहुत खुश हूँ कि इंडिया की जनता ने उन्हें एक और चांस दिया है, 5 years और दिए हैं, और वो और तरक्की करेंगे उसमें। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि इंडिया हमारा 5 साल बाद कैसे लगता है। पुलवामा में भी जो उन्होंने किया, उनसे भी, उनके डिसीजन से
हमारे जो वो एयरफोर्स पायलट को वापस लाए, और जो भी सारा एपिसोड हुआ, आई थिंक वी वर वेरी हैप्पी कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर था और अगली जो टेररिज्म जो कर रहा था ग्रुप हमारे अगेंस्ट, वो भी थोड़े डरे हुए हैं अब फाइनली कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर आया है इंडिया में. पहले मुझे लगता है इवन टेररिस्ट भी हमारी कंट्री से और हमारे लीडर से नहीं डरते थे. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द मोदी गवर्नमेंट एंड विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर ही विल मेक इंडिया रॉक फॉर अनदर 5 years.